Hello all, welcome to sign up for domain Digitize Brand of India Private Limited. So आपको यहाँ पे आपका domain name and hosting digital training free of cost दे रहा है, तो उसकी जो procedure है मैं आपको बता रहा हूँ. So after आपने domain name और hosting की request भेजी, mail भेजा हमें, तो उसके बाद आपको ऐसा mail आएगा, sign up for domain Digitize Brand Hub India Private Limited Digital Training, ऐसा आपको एक mail आएगा. So उस पर एक link दिया जाएगा, गो टू दिस लिंक. सो जस्ट इस लिंक पे जाना है. लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको कस्टमर साइनअप करना है. मीन्स यहाँ से एक यहाँ पे आपको एक यहाँ पे एक क्लिक करना है एंड देन कस्टमर साइनअप करना है. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट कस्टमर साइनअप एंड देन आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि इन फ्यूचर आपको रिन्यूअल करना हो तो इस मेल आई डी से आपको लॉग इन करना है और आपका ये लॉग इन आई डीज आपको रहेगा ये इसी यू आर एल से. सो आपका आपका नाम यहाँ पे डालना है. फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है प्रशांत, आपका नाम यहाँ पे डालना है. आपका कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का नाम नहीं होगा तो आपका नाम ही यहाँ पे आप डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम डिजिटल ट्रेनिंग, आपकी आपकी कंपनी नहीं होंगी तो आपका खुद का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ. एड्रेस आप डाल सकते हो, जहाँ पे आप रह सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आप आपका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो. मैं डाल रहा हूँ पुणे ही, ठीक है. सो जब तक ये राइट होता नहीं तब तक आपको ये करना रहना, एड्रेस टू सिटी. यहाँ पे जो स्टार मार दे रहा है वो तो कंपलसरी है, मैं वहाँ पे पुणे डाल रहा हूँ. देन आपका जिप कोड यहाँ पे डालना है, आपका कंट्री, ठीक है, कंट्री के बाद आपका स्टेट, राइट. देन आपका यूजर नेम, क्योंकि इन फ्यूचर आप लॉग इन करोगे तो डायरेक्टली इस मेल आईडी से आपको लॉगिन करना है. आपका जो भी मेल आईडी होगा वहाँ पे आपको डालना है, कड़ुका डॉट प्रशांत टू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम. आपका जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर होगा तो फ़ोन नंबर डालिए, यहाँ पे इंडिया करना है. बहुत सारे लोग यहाँ पे भूल जाते हैं डालना, IN करके, ठीक है. और 95 यहाँ पे आपका नाम नंबर आप डाल सकते हो, जो भी आपका नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है. एक्सटेंशन की कुछ ज़रूरत नहीं है. होम एड्रेस की आप सिलेक्ट करते हो तो कंपलसरी फिर फिल करना पड़ेगा, कि ज़रूरत नहीं है अभी तो मत डालो. यहाँ पे आपका वापस डाल दो, इधर यहाँ पे भी डालना है. 126, तो यहाँ पे फैक्स नंबर, आपका फैक्स नंबर तो कुछ नहीं होगा तो कंटिन्यू करना है, ठीक है. जैसे कंटिन्यू करते हो आप तो आपको ऐसा आएगा, आपका कंफर्मेशन होगा. अभी इस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, देन अकाउंट सिक्योरिटी मेजर्स, आपका पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है. जो भी आपको पासवर्ड आप रख रहे हो वो पासवर्ड आपका यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये पासवर्ड आपको हेल्प करेगा आपका लॉगिन करने में. सो आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे आपको डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालना है. और पिन, कॉल इन पिन यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 में डाल रहा हूँ. कंटिन्यू, यहाँ पे कुछ लिविट ब्लैंक, ठीक है. सो आई हैव रीड कस्टमर एग्रीमेंट एंड साइन अप. इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर है, पूरा वन बाय वन फिल कीजिए और ये पूरा साइन अप कीजिए. सो साइन अप के बाद एक कन्फर्मेशन मेल आएगा आपको, उस कन्फर्मेशन पे मेल पे आपको बस एक्टिव करना है. फॉर एग्जांपल अभी मैं जाता हूँ, एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, जस्ट चेक इट स्पैम एज वेल इफ इट कम्स टू स्पैम, तो स्पैम में भी नहीं है. एक्टिवेट योर कस्टमर अकाउंट विद डिजिटाइज ब्रांड, ठीक है, और इसको एक्टिवेट करना है. दैट्स इट, यहां तक आपका आया, बस यहां तक ही आपका प्रोसीजर है. अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां से आगे किधर भी जाना. सो वी विल बाय अ डोमेन नेम एंड होस्टिंग फॉर यू. सो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये पूरा प्रोसेस था आपका डोमेन नेम साइनअप का.